हेलो एवरीवन, सो आज वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दीज फोर टॉपिक्स विच इज मीन और जिसको एवरेज डेविएशन भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड वेरिएंस। ये जो तीन टॉपिक्स है वो एक दूसरे से रिलेटेड ही है, और ये मीन और एवरेज डेविएशन, इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स और एक हाथ जो नेट के में आए हुए क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विद मीन या एवरेज डेविएशन से। तो सबसे पहले आपका मीन या एवरेज डेविएशन, ठीक है। एवरेज डेविएशन मीन्स व्हाट? देखो, इट मे बी डिफाइंड एज द मीन ऑफ डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू एंड द मीन ऑफ मेजरमेंट विदाउट रिगार्ड टू साइन। ओके, मीन्स व्हाट? इसको अगर एग्जांपल से समझे तो सपोज हमारे पास बहुत सारे इंडिविजुअल मेजरमेंट्स है, उसमें सपोज फर्स्ट मेजरमेंट है जिसकी वैल्यू है एक्स वन, ठीक है। सेकेंड मेजरमेंट की वैल्यू है सपोज एक्स टू, तो सिमिलरली हम n नंबर ऑफ मेजरमेंट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? xn, ठीक है। तो ये क्या? इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। ये क्या हो सकती है? या वॉल्यूम हो सकता है किसी का, या फिर वेट हो सकता है इन ग्राम्स ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक। सो ये आपकी इंडिविजुअल मेजरमेंट्स वैल्यू है, क्योंकि जैसे हम टाइट्रेशन भी करते हैं तो मिनिमम हम थ्री टाइट्रेशन करते हैं ना, वॉल्यूम तीन बार निकालते हैं। तो सिमिलरली ये जो फर्स्ट मेजरमेंट है वो सपोज एक्स वन है, सेकेंड वाला एक्स टू है, और n नंबर ऑफ टाइम्स की, n कैन बी थ्री फोर फाइव एनीथिंग, तो उसकी वैल्यू क्या है? x है। मीन क्या होता है? मीन इज रिप्रेजेंटेड एज x बार। तो मीन इज इक्वल टू व्हाट? सारी जो मेजर वैल्यूज है उसका सम, x1 x2 प्लस सो ऑन xn अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, एंड हियर टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट इज n, सो इट विल बी डिवाइडेड बाय n, दिस इज मीन। सो हियर मीन और एवरेज डेविएशन मीन्स व्हाट? सी, इट इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, दीज आर द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यूज एंड द मीन ऑफ मेजरमेंट्स मीन दिस, इनका मतलब इसके और इनके बीच जो डिफरेंस आएगा उन डिफरेंस का मीन। सो हियर द एवरेज डेविएशन विल बी डी बार, डिनोटेड बाय डी बार, विल बी इक्वल्स टू व्हाट? पहले एक्स वन माइनस एक्स बार इनका डिफरेंस प्लस मीन निकाल लेना, मीन सबको आपको एड करना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। सेकेंड मेजरमेंट है सपोज एक्स टू माइनस एक्स बार प्लस सो ऑन, एंड इट विल बी एक्स एन माइनस एक्स बार, एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय एन। सो दिस विल बी योर मीन और एवरेज डेविएशन। क्लियर? मीन्स द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजर वैल्यूज एंड द मीन, एंड उनका फिर से मीन। ओके, मीन्स उनको सबको जो डिफरेंस आएगा, उनको एड करना है, डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट से, तो वो उसका क्या होगा? एवरेज या फिर मीन डेविएशन। क्लियर? इसको एक एग्जांपल से करते हैं। सो हियर इट इज एन एग्जांपल टू कैलकुलेट द एवरेज डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपने को ये फॉलोइंग डेटा दिया है, इसका हमें एवरेज डेविएशन या मीन डेविएशन को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले ये जो सारे हैं वन टू थ्री फोर, दीज आर ऑल द इंडिविजुअल मेजरमेंट्स, ठीक है। और तो हमको क्या निकालना है? इस इंडिविजुअल मेजरमेंट का डिफरेंस निकालना है किससे? मीन से। तो उसके लिए हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे इस वैल्यूज का मीन। मीन कैसे निकालते हैं? सारी वैल्यूज को एड अप करते हैं, दैट इज 61.45 प्लस 61.51 प्लस 61.12 प्लस 61.40 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, कितने हैं? 1 2 3 4, तो ये हो गया 4। तो इसको आप क्या करोगे? पहले एड करेंगे, तो इसका जो मीन आएगा, पहले इनको ऐड करके 4 से डिवाइड करने के बाद इसका जो मीन आएगा दैट इज 61.37। ओके, इसको करना आप लोग ऐड। तो 61.37 क्या आया? मीन, विच इज डिनोटेड एज एक्स बार। हमें निकालना क्या है? उसका डिफरेंस। तो इसके लिए सबसे अच्छा आता है कि इसको पहले आप कॉलम बना लो। इसको यहां लिख देते हैं 61.37, कॉलम बना लो, मतलब ये हो गया आपके एक्स आई का कॉलम हो जाएगा, जहां पे आप इसके इंडिविजुअल मेजरमेंट्स को लिखोगे ताकि इसमें गलती ना हो। 61.45 61.51 61.12 एंड दिस विल बी 61.40, ठीक। उसके बाद एक कॉलम रहेगा किसका? एक्स आई माइनस एक्स बार का, मतलब जो भी इंडिविजुअल मेजरमेंट्स है उसको आप डिफरेंस करते जाओगे किससे? मीन वैल्यू से, विच इज 61.37, और उसको यहां लिखोगे, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? सबसे पहले 61.45। अच्छा, ये ध्यान रखना, उसमें डेफिनेशन में लिखा था विदाउट रिगार्ड ऑफ साइन, विदाउट रिगार्ड ऑफ साइन। इसका मतलब क्या कि अगर इसको माइनस करने से निगेटिव भी आ रहा है तो उसका हमें क्या लेना है? उसका मॉड लेना है। मतलब मॉड क्या होता है? जब आज के अंदर जो भी चीज आप सॉल्व करो, मॉड लगा दिया मतलब वो माइनस है तो पॉजिटिव बन जाएगी, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक।
तो पहले आप माइनस करो 61.45 को किस से, 61.37 से, तो इसका आंसर कितना आएगा 0.08, पॉजिटिव ही आना है। अब इसको एक्स आई माइनस एक्स बार इसको करा तो कितना आया 0.14, फिर 61.12 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे इससे तो माइनस में आएगा, ठीक है माइनस में आएगा, लेकिन आपको क्या कंसिडर करना है मॉड, तो अगर इसमें आप मॉड लगाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा 0.25 ही होगा, मतलब पॉजिटिव बन जाती है वैल्यू, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.25। फिर 61.40 को इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 0.03, मतलब हर एक इंडिविजुअल मेजरमेंट्स को मीन से सब्ट्रैक्ट करना है और इसको यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है। नाउ एवरेज डेविएशन या मीन डेविएशन क्या होगा, यही जो सारी डेविएटेड वैल्यूज आई है मीन से डेविएटेड वैल्यूज, इनको आपको ऐड करना है, मतलब आप इसका मीन निकालना है, तो 0.08 प्लस 0.14 प्लस 0.25 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर दैट इज 4। ओके सो इसको सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 0.5 एंड 4 से डिवाइड करें तो कितना है 0.125। सो दिस विल बी योर एवरेज डेविएशन, क्लियर। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड मीन, देन जस्ट मेक टू कॉलम्स, वन ऑफ एक्स आई विच इज एन इंडिविजुअल मेजरमेंट्स, देन द डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल मेजरमेंट विथ मीन विथ पॉजिटिव साइन, ओके प्लेस अ मॉड ओवर इट, एंड जो भी डिफरेंस आएगा दिस डेविएटेड वैल्यूज उसका मीन एंड इट विल बी योर एवरेज डेविएशन, क्लियर। नेक्स्ट हम निकालते हैं रिलेटिव एवरेज डेविएशन। तो रिलेटिव एवरेज डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, जो भी आपकी डेविएशन आई मीन डेविएशन की वैल्यू वो, मतलब एवरेज डेविएशन डिवाइडेड बाय द मीन इंटू 100, तो ये होगा आपका रिलेटिव एवरेज डेविएशन और ये परसेंट के फॉर्म में आएगा, ठीक है। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमारा जो डी बार है मतलब एवरेज डेविएशन कितना आया था 0.125 और जो मीन वैल्यू थी वो कितनी आई थी 61.37, तो अगर उस क्वेश्चन के लिए रिलेटिव एवरेज डेविएशन निकालना है तो क्या होगा, जो डेविएशन है दैट इज 0.125 डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू दैट इज 61.37 इंटू 100, आप उसको जब सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 0.203 एंड इट विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, ठीक है। तो ये होगा आपका रिलेटिव एवरेज डेविएशन। अब आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है दो फॉर्मूलेज है इसके, पहला होगा फिनाइट नंबर ऑफ मेजरमेंट के लिए और दूसरा इनफिनाइट मेजरमेंट के लिए। मतलब अगर आपकी जो टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स की वैल्यू अगर 30 से ग्रेटर है तो वो इनफाइनाइट कैटेगरी में आ जाता है, और अगर आपके जो नंबर ऑफ मेजरमेंट्स है उसकी वैल्यू लेस देन 30 है तो फिनाइट नंबर ऑफ मेजरमेंट्स में आ जाएगा, ठीक है फिनाइट नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। तो अगर ये इनफाइनाइट वाला कंडीशन है तो स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आइदर सिग्मा और किसी किसी बुक में स्मॉल एस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा अगर इनफाइनाइट है तो अंडर रूट समेशन एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। लेकिन अगर लेस देन 30 है फिनाइट नंबर ऑफ मेजरमेंट्स है तो इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा अंडर रूट समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, क्लियर। मीन्स ये एक्स आई इज वॉट इंडिविजुअल मेजरमेंट जो हम लोग निकालते हैं 1, 2, 3 वाला, एंड म्यू इज योर मीन एंड एन इज योर टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स वैल्यू। सेम यही पे वही एक्स आई क्या होगा आपका इंडिविजुअल मेजरमेंट्स, एक्स बार होगा आपका मीन ऑफ द वैल्यूज, मतलब सारे वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट से, और कैपिटल एन क्या है टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। डिफरेंस क्या है यहाँ पे जो इनफाइनाइट वाले में एन लेंगे एंड यहाँ पे एन माइनस वन, जो ज्यादातर आपके क्वेश्चन में यूज होगा वो कौन सा है ये वाला लेस देन 30 वाला, जहां पे आप स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू क्या होगा दिस। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो क्वेश्चंस को हम लोग एक साथ देखेंगे, पहले इससे रिलेटेड जो दो और टर्मिनोलॉजीज है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ओके अब उससे रिलेटेड जो पहला टर्म है दैट इज रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, सेम वही है जैसे हमने रिलेटिव एवरेज डेविएशन निकाला था वही। तो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बोलते हैं, दोनों जो है वो सेम है ना, दोनों सेम है रिलेटिव स्टैंडर्ड या फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी, ज्यादातर ये वाला टर्म यूज किया जाता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, जो भी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आया वो डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100, क्लियर। जैसे हमने एवरेज वाला निकाला था वो भी वैसे ही था ना, एवरेज डेविएशन को डिवाइड किए थे किस से मीन से इंटू 100, वैसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या जिसको रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन
इंटू 100 और ये भी किस में आएगा आपके परसेंट के फॉर्म में आएगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और टर्म है स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड, उसको भी हम यही देखेंगे और सारे को एक साथ क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। दैट इज वेरियंस। वेरियंस क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। वेरियंस मीन्स जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आया उसका स्क्वायर ही क्या होगा आपका वेरियंस। तो आपने को पता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। सो स्क्वायर है मतलब क्या, इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है और ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा आपका वेरियंस बचेगा, जिसका फॉर्मूला क्या हो गया अगर इसमें से देखना है तो इट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। मीन्स ये अंडर रूट कैंसिल हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में तो वेरियंस आ गया, या अगर यहां से पहले स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके स्क्वायर कर दोगे तो वही आपके किसके बराबर होगा वेरियंस के। अब हम इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड वेरियंस फ्रॉम द एग्जांपल्स। ओके, देखो ज्यादा सेंटेंस ना लिख के मैंने सिर्फ डायरेक्ट आपको एक डाटा दे दिया है 1 2 3 4 5 6। तो 6 डाटा है, मतलब ये सारे के आपके इंडिविजुअल मेजरमेंट्स है। तो इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड वेरियंस, ठीक है। तो इसको हम एकदम सिस्टमैटिक ढंग से सिखाऊंगी मैं, ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि प्लस माइनस स्क्वायर करने में गलती हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करना, आप अगर ये क्वेश्चन पूछा तो पहला काम होना चाहिए आपका मीन निकालने का, क्योंकि हमें पता है आपको मीन से माइनस करना है सारे इंडिविजुअल वैल्यूज को। तो पहले आप निकाल लो मीन, ताकि एक वैल्यूज आपकी आ जाए। मीन कैसे निकालते हैं, सबको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, मतलब 16.65 प्लस 16.70 प्लस 16.68 प्लस 16.60 प्लस 16.58 प्लस 16.63, ओके, एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 6, जो कि आपका टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स है, ओके। तो जब इनको सबको आप ऐड करोगे मीन निकालने के लिए तो इसका वैल्यू आता है 99.84, एंड इसको आप डिवाइड करोगे 6 से, जब 6 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 16.64। सो हियर जो मीन वैल्यू रहेगी आपकी एक्स बार की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी 16.64। इसको आप एकदम अलग से नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसको मैं रब कर देती हूँ। देखो अगर प्लस माइनस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो वो कैसे सॉल्व होगा, प्रैक्टिस करने से। बहुत सारे क्वेश्चंस बनाओ इससे रिलेटेड तो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो जाता है, तो आपके उसे प्लस माइनस या डिविजन में गलती नहीं होगी, ठीक है। ओके, नाउ वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, ठीक है। सर अब हम इस फॉर्मूला से जाएंगे और कॉलम्स बनाएंगे, कॉलम से गलतियां होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। क्या किस चीज का कॉलम बनाएंगे, पहले रहेगा आपका एक्स आई का कॉलम, ठीक है। फिर ऑपरेशन देखो क्या क्या करना है आपको, एक्स आई को माइनस करना है किससे, एक्स बार से, मतलब मीन से। फिर उसका क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। देन उसका क्या निकालना है, समेशन, और उसको डिवाइड करना है एन माइनस वन से, और उस पूरे टर्म का आपको निकालना है रूट। तो पहले आप बना लो एक एक्स आई का कॉलम, ठीक है। एक्स आई का कॉलम बनाए तो एक्स आई क्या है, ये सारी जो वैल्यूज है वही एक्स आई है, तो उसको नोट डाउन करो 16.65 16.70 16.68 16.60 16.58। ऑल दो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इतने जो डिफिकल्ट डाटा है वो नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो ऐसे में आएगा जहां पे कैलकुलेटर यूज करने को मिल जाए आपको, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स आई। दूसरा कॉलम क्या बनाएंगे हम, एक्स आई माइनस एक्स बार का, ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फिर बनाओ कॉलम किसका, एक्स आई माइनस एक्स बार का, ठीक है। इस एक्स आई माइनस एक्स बार में हमको क्या करना है, जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू को यहां लिख दो 16.64, ये जो मीन वैल्यू है उसको आपको सबसे सब्ट्रैक करते जाना है और यहां और उसको लिखते जाना है, ठीक है। तो पहले होगा क्या, 16.65 माइनस 16.64 कितना आएगा 0.01। फिर 16.70 माइनस 16.64 कितना आएगा 0.06। फिर 16.68 को इससे माइनस किया तो 0.04, इसको इससे फिर माइनस किया तो माइनस आएगा माइनस 0.04, इसको इससे माइनस किया क्या आएगा माइनस 0.06, और इसको इससे माइनस करोगे तो माइनस 0.01, है ना। फिर क्या करो, देखो क्या किया, इसका स्क्वायर किया है, मतलब आपको क्या करना है, इस एक्स आई माइनस एक्स बार का क्या निकालना है, स्क्वायर। मीन्स ये जो एक्स आई माइनस एक्स बार है इसका आप क्या करते जाओ,
स्क्वायर निकालते जाओ तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर क्या आएगा 0.0001, इसका स्क्वायर 6 6 36। कैसे करते हैं स्क्वायर, 0.06 × 0.06 है ना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 6 6 36 होगा। और चूंकि दो के बाद, इसमें दो के बाद डेसिमल, इसमें दो के पहले डेसिमल, तो चार नंबर के पहले डेसिमल लगाना है, तो ये दो और बाकी दो क्या किससे फुलफिल होगा, जीरो से। तो ये ऐसे आएगा इसका आंसर 0.0036, फिर 4 4 16 तो 0.0016, 4 4 16। अब माइनस है ना, स्क्वायर किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो ये हो जाएगा 0.0016, इसमें 0.0036 और ये जाएगा 0.001। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, इसका समेशन, मतलब ये जो वैल्यूज है सारी उसका आपको क्या निकालोगे, समेशन, दैट इज समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, मतलब इन सबको क्या करना है आपको, एड। तो इन सबको जब आप एड करोगे तो इसका आंसर आता है 0.0106। तो ये इसका समेशन हो गया। अब इस समेशन को आपको डिवाइड करना है किससे, एन माइनस वन से। आपका एन क्या है, 6 है ना, तो एन इज 6 है, तो एन माइनस वन क्या हो जाएगा, 6 − 1 दैट इज 5। तो मतलब 5 से डिवाइड करना है इसको, ठीक है। तो जब ये टर्म 5 से डिवाइड होगा, ठीक है, ये वाला जो टर्म है वो 5 से डिवाइड होगा, तो आंसर आएगा 0.00212, है ना, ये आया आपका ये वाले टर्म का आंसर। लेकिन हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, अंडर रूट है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, मतलब आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, अंडर रूट, ठीक है। तो जब इसका अंडर रूट करोगे तो इसका आंसर होगा 0.00460। सो ये आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये जो रूट्स है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर मैंने पहले ही बोला कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे सो आपको कैलकुलेटर वाला क्वेश्चन में ही इतना डिफिकल्ट डाटा रहेगा, नेट का क्वेश्चन इसके बाद करने वाले इसमें देखना बहुत ही सिंपल रहेगा, बिना कैलकुलेटर के हो जाता है वैसा, ठीक है। तो ये आया, देखो पहला काम है मीन निकालना, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, यू हैव टू मेक 3 कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम विल बी ऑफ एक्स आई विच इज योर इंडिविजुअल मेजरमेंट, सेकेंड कॉलम विल बी योर एक्स आई माइनस एक्स बार, फॉर्मूला के हिसाब से चलना है, ठीक है। मीन का, मीन से आपको डिफरेंस निकालना है सबका और ये वैल्यूज लिखा। फिर थर्ड कॉलम उसके स्क्वायर का, तो स्क्वायर का बनाया। फिर समेशन है इसलिए हमने इसका सम किया, ये इसका सम हो गया, डिवाइड किया एन माइनस वन से एंड उसका अंडर रूट निकाला, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक। स्टैंडर्ड डेविएशन इसी में क्वेश्चन में हमने बोला था कि और हम क्या निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है भाई, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया वो डिवाइडेड बाय मीन, दैट इज दिस, इनटू 100, यही है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 0.0460 और मीन कितना है 16.64 इनटू 100, ठीक है। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 4.6 अपॉन 16.64, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.2764। सो दिस इज योर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, है ना। अब इसका वेरिएंस अगर निकाले, वेरिएंस, सो वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, मतलब जो रूट करने से पहले वाली जो वैल्यू होगी दैट इज दिस, यही क्या होगा आपका वेरिएंस, क्योंकि रूट निकाल दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन, और सिर्फ रूट नहीं निकाला यहीं तक बस किया तो ये क्या होगा आपका वेरिएंस, तो इसका फॉर्म वैल्यू हो जाएगा 0.00212, क्लियर। सो ये वाला एक क्वेश्चन है जो आपके सीएसआईआर दिसंबर 2017 में आया था रिगार्डिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इसमें क्या दिया है आपको, रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ लेड इन अ लेक सैंपल, सैंपल गेव 3.2 5.2 7.2, इतना कॉन्सेंट्रेशन आया पीपीबी में किसका, लेड का। सो यू हैव टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दिस। सो सबसे पहले आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चंस में, मीन निकालना है, ठीक है। मीन, मीन क्या होता है 3.2 + 5.2 + 7.2, इन सबका एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर दैट इज 3, ऐड करोगे तो कितना आएगा 15.6 डिवाइडेड बाय 3 और ये हो जाएगा आपका 5.2। फिर क्या करना है, कॉलम्स बनाने, पहले एक्स आई का, देन एक्स आई माइनस एक्स बार का, देन एक्स आई माइनस एक्स बार के स्क्वायर का। कहां से पता चला, फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का विच इज एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर एन माइनस वन और इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट, ठीक। एक्स आई क्या है आपका 3.2 5.2 7.2, फिर क्या करना है सारी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, मीन से, विच इज एक्स बार दैट इज 5.2, है ना।
तो 3.2 माइनस 5.2 कितना आएगा, 2. 5.2 माइनस 5.2 0. 7.2 माइनस 5.2 2. ठीक है, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि 3.2 माइनस 5.2 किए. अब इसका क्या करना है, स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना होगा 4, 0 एंड ये भी 4. अब इसका क्या निकालना है आपको, सम करना है पूरा इसका, दैट इज एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर. सम करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 0 प्लस 4. 4 प्लस 4 कितना होता है आपका 8, सम हो गया. अब क्या करना है इसको, जो समेशन है एक्स आई माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का डिवाइड करना है किससे, एन माइनस 1 से. एन एन क्या है आपका 3, तो एन माइनस 1 कितना हो जाएगा 2. तो अब 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा 2, 2 टू 4, तो ये हो गया आपका 4. अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करते हैं भाई, अब जो भी आया ये क्या है, इस पूरे की वैल्यू आई आपकी 4, इसका क्या कर दोगे आप, अंडर रूट, दैट इज समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1, और इतने पूरे की वैल्यू आई आपकी 4, एंड 4 का रूट क्या होता है 2. इजी है ना, जो नेट वगैरह में क्वेश्चन आएगा बिना कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हो. ठीक है, एक्स आई लिखा, एक्स आई माइनस एक्स बार ये, इसका फिर सम डिवाइडेड बाय एन माइनस 1, फिर रूट, स्टेप बाय स्टेप जाओ, कोई गलती नहीं होगी. तो सिग्मा या जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी आई 2, और इसका यूनिट क्या रहेगा आपका पीपीबी, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए. ठीक है, देखो मैंने बोला कि अगर ये क्वेश्चन ये इस पे प्रैक्टिस करोगे बार बार तो कैलकुलेशन वगैरह में गलती नहीं होगा. सो ये वाला आप प्रैक्टिस फॉर योरसेल्फ कर लो. ठीक है, प्रैक्टिस फॉर योरसेल्फ क्वेश्चन जिसमें आप खुद से इसको करके देखो. इसको आपको तीन ही डाटा दिया है, सिंपल तीन ही डाटा दिया है. इसको आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, है ना. स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1. इसको बार बार करोगे तो एकदम याद हो जाएगा फॉर्मूला. और जो वेरिएंस है, जो वेरिएंस है ये हो जाएगा आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर के, मतलब ये रूट हटा दिया तो ये बन गया आपका वेरिएंस. क्लियर. सो आज वाले वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम लोग इसी से रिलेटेड और वीडियोस को करेंगे रिलेटेड टू एनालिटिकल केमिस्ट्री. थैंक यू फॉर वॉचिंग.